हूं मैं वास्ते देख के तुम्हें यह आखा भाई तुम बह जाओ तो यह मैं उन्होंने पाकों के नाम से मंगया तो की मंगया मेहरबानी कर सो सारे मेले बह जाओ अदब के नाल जिहड़े पिछा जिथे जगह मिलती है मेरे भाइयों सारे आप तशरीफ फरमा हो कि मेरा पीर साहब का बयान बड़ी मुहब्बत के नाल समाप्त करो अल्लाह पाक साहब की नौकरी कबूल फरमा बड़ी मेहरबानी जितने भी मेरे भाई खड़े ने साइड से सारे मेरी गुजारिश है मेहरबानी करो सारे आप तशरीफ फरमा हो नारे रिसाल नारे रिसाल الحمد لله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سبحان الله والليل إذا سجى سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله محترم سامعین و ناظرین اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے آخری سپارے دی ایک عظیم اور مبارک سورت سورۃ الضحا برکت واسطے تلاوت کیتی ہے سبحان دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے آپ دوستاں نے یقیناً قرآن سنے ہیں میرا مالک تہاڈا سننا بھی قبول فرمائے اس سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں مالک تہانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرمائے تعلیمات تے اللہ عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے انہیں دعائیہ جملے تو بعد احباب سب تو پہلے اجدی انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیتا ہے انہوں نے مبارکباد پیش کرنا ہے اس تو بعد جتنے خوبصورت افراد نبی دے عاشق اس وقت مجمع دے اندر موجود ہیں یقیناً تہاڈا آنا بھی باعث رحمت اور مبارک ہے اللہ پاک تہاڈی حاضری بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سٹیج دی زینت حضرات علماء کرام مشائخ عظام پیران طریقت جلوہ فرما ہے
मेरे वास्ते ये एजाज है कि ऐसे साहिब कमाल, ऐसे मर्द कलंदर और ऐसे नेक लोगों की सोहबत के अंदर बैठ के आप हजरात नाल गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अहबाब बिना तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहे हैं। महफिल हुजूर दे जिक्र मुबारक दी है और यकीन जानो इस वक्त महफिल का आलम यह है कि महफिल मेरे आका के नूर नाल मुनव्वर है। क्योंकि महफिल आका दी है तो हुजूर की खुशबू नाल मुअत्तर है। कुरान मजीद के कुछ खूबसूरत लफ्जा का इंतखाब है। इन लफ्जा के तर्जमे तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि वद्दुहा, कुरान तो सारा ही नूर है। अगर मेरा मजमा मेरी तरफ मुतवज्जे होवे तो मैं अपने इब्तदाई जुमले के अंदर एक गल करना चाह रहा कि कुरान सारा ही नूर है और कुरान सारा ही जुदा है। कुरान सारा ही सोना है पर मैं तो सहेज से बैठ के कसम खा के आना रब्बे काबा की कसम, कुरान सारा सोना है पर उस पूरे कुरान के विचों ये सूरत बहुत सोनी, इसके नूर की कैफियत हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, ये सूरत का आगाज है। अब आप अगर बैठ जाएंगे तो फिर मैं कुरान पढ़ सकूंगा। इंतजामिया के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करें मेरे दोस्त, थोड़े से इंतजामिया के लिए आसानी पैदा करें ताकि इंतजामिया को मुश्किल न हो। अगर आप इनको मुश्किल में डालेंगे तो मुझे गुफ्तगू में मुश्किल पेश आएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इंतजामिया के साथ तआवुन करें ताकि उनको अपने मेहमानों को बिठाने में आसानी हो, उनके लिए मुश्किल न पैदा करें। मैं फिर कुरान की तरफ आपको मुतवज्जे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, सुभानअल्लाह, तुम कुरान पसंद नहीं आया? सुभानअल्लाह, मैं अर्ज किया कुरान की बहुत सोहनी सूरत है, आगाज क्या है वद्दुहा और इख्तिताम क्या है, सूरत मुकदी किथे पई है, शुरू वद्दुहा तो हो रही है और मुकदी पई है फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, महबूब तेरे सोने मुखड़े की कसम है। महबूब तेरे सोने मुखड़े की कसम है और मुकाई गल किथे अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं तेरे सोने चेहरे की कसम, तेरे चमकड़ वाले चेहरे की कसम, इस खूबसूरत मुखड़े की कसम है, वद्दुहा मैं इस चमकड़ वाले चेहरे की कसम है। और मैं कुर्बान जावा अल्लाह ने बढ़ा के फरमाया महबूब मैं बढ़ा के कसम चाह रहा, कसम शर्मा रहा, महबूब तू बढ़ के भी तो जमाने को दस ना कि तेरे रब ने तेन के सोना बना। चर्चा कर समाने दी लोगों ने दस माला तो खुद जो फरमा दिता है वद्दुहा के महबूब मैं तेन सोना बनाया है, हूं जमाने मेरे दसन की केड़ी लोड़ है। अल्लाह फरमाएगा सारा जमाना आखे ना कि मुहम्मद सोना है, तुसा मेरे लफ्जों की कदर नहीं की। दोबारा लफ्ज बोलना चाहता, अल्लाह फरमा रहा महबूब सारा जमाना आके महबूब तू सोना है, मुहम्मद सोना है, सोना है, एक गल वखरी।
ਖੜੀ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਗੱਲ ਬਟਦੀ ਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਅਮਤ ਰੱਬਿਕ ਫਹੱਦਿ ਮਹਬੂਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ नाराए हैदरी मते मुस्तफा। मैंने थोड़ी देर आपको कुरान सुनाना है और मेरा दिल करता है कि मेरा मजमा मोहब्बत से कुरान सुनो। मेरे पास कुरान सुनने का रिवाज है या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुरान की तरफ मुतवज्जे देख सकूं। अल्लाह फरमाता है बद्दुहा महबूब तेरे मुखड़े की कसम है जमाने नु दस तेरा चेहरा रब ने केड़ा सोना बनाया है, इतना चमकदार है तेरा चेहरा, अल्लाह ने तुझे कैसा बनाया है। और जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी सारे सोने। मैं जुमला दोहरा रहा, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तो लेके जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी सारे सोने, नबुव्वत में सारे नबी मोहम्मद के शरीक हैं, हुस्न में मोहम्मद का शरीक को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुस्न में मोहम्मद का शरीक कोई नहीं, नबुव्वत में शरीक है, हुस्न में मोहम्मद का शरीक कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा महबूब मैं तेरे चमकदार चेहरे की कसम। और फिर अगले लफ्ज जो अल्लाह ने फरमाए गल इथाई छोड़ी नहीं, अल्लाह फरमाया वद्दुहा महबूब चमकने वाले चेहरे की कसम है, वल्लैल इज़ा सजा मुर्गेड़ियां तेरे सर ते कालियां ज़ुल्फ़ां ना रब नु ना सोणियां ज़ुल्फ़ां दी भी कसम। महबूब मुझे आपकी जुल्फों की भी कसम है, वो जो हसीन जुल्फे हैं ना, वो सियाह जुल्फों को आपकी तरफ निस्बत है महबूब मैं उन्होंने जुल्फा की भी कसम। और सिर्फ इथाई गल नहीं रोकी, मुड़ अल्लाह ने कुरान फरमाया वकी लिखी महबूब सिर्फ तेरे चेहरे की कसम नहीं, तेरिया जुल्फा की कसम नहीं, उस रब नु तेरे हर बोल की कसम है, आपके हर बोल की कसम है। मैं यकीन जानिए मेरा दिल करता है कि मैं हर जुमला बोलूं और झूम जाऊं, पता नहीं मेरा मजमा उस लुत्फ से सुन रहा है या नहीं जिस लुत्फ से मैं बातें कर रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया वकील ही महबूब रब नु तेरे हर हर बोल की कसम है, तू अम्मा अमना की झोली दे विच अपनी मां नाल गल्ला करे रब नु उस बोलण की कसम है, हलीमा की झोपड़ी विच जावे ते उस दाई हलीमा नाल बोले मर रब नु उस बोल की कसम है, महबूब के तू अबू बकर नाल बोले मर उस बोल की कसम है, के उमर नाल बोले ते उस बोल की कसम है, जारा दी मजलिस विच बैठ के मौला अली नाल बोले मर उस बोल की कसम है, हसनैन करीमैन नाल बोले उस बोल की कसम है, महबूब तेरे हर हर बोल दी रब नु महबूब मैं तेरे हर हर बोल की कसम, चेहरे की कसम, जुल्फा की कसम, बोलन की कसम, महबूब तू सजदा करे ते सुभान रब्बियल आला पढ़े उस बोल की कसम है, महबूब जे तू उम्मत के हक में बोले मुड़ उस बोल की कसम। मैंने बड़े तोल के लफ्ज बोले थे, मेरा दिल था कि जिस काम ने ये लफ्ज सुनने हैं ना उसकी मुझे मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी, सुभान अल्लाह खुद ब खुद जबान से निकलता, लेकिन समझने कुछ वक्त लग गया। मैं लफ्ज दोबारा दोहरा देता
अगर दिल बने तो मेरा लफ्जा का जवाब बनता हो जवाब दी गया है लेकिन उस तो पहले एक गल करना कि ओ बंदा बोले जिंदा दिल मंगता है कि मुहम्मद मेरे हक में बोले अल्लाह फरमाया सुभान रब्बी अल आला महबूब तू मेरी तस्बीह बोले मुड़ भी रब नु पसंद तू उम्मत के हक में बोले मुड़ भी वकील ही महबूब तेरे हर हर बोल की कसम और कुरान का अगला लफ्ज भी सुनाने जा रहा हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अल्लाह अम्र का महबूब सिर्फ तेरे बोल की कसम नहीं रब नु तेरी पूरी हयाती की कसम और जेड़े 63 साल तेरे कमली वाले मेरे महबूब जेड़े 63 साल जाहिरी तौर पे रूए जमीन से तुसा गुजारे ना ला अम्र का महबूब मैनू तुहाडे जिंदगी दे हर हर लम्हे की कसम महबूब मुझे हर जिंदगी के हर लम्हे की कसम है पूरी हयाती की कसम है फरमाया महबूब तुहानू तुहाडे रब ने ऐसा बनाया कि तुहाडी सूरत की भी कसम है ते तुहाडी सीरत की भी कसम सुभान अल्लाह ओ भाई मार का सूरत तो अल्लाह बनाया है बोले नहीं मार का सूरत बनावण वाला कौन है केड़े मरेंदे नो बोले सूरत बनाने वाला कौन है अल्लाह फरमाईंदा है मैं सूरत बनाईंदा ते महबूब सूरत ते तुसी बनाई सीरत ते बंदा अपनी आप बनाईंदा है किरदार बंदा खुद बनाता है अल्लाह फरमाता महबूब मैं तैनू इंज बनाया है सूरत बनाई सूरत दी भी कसम महबूब तेरी सीरत दी भी कसम महबूब तेरी 63 साल पूरी हयाती की कसम मतलब आज होर किसे पासे नहीं जावन देवना इथा ही नबी दी जात ते अपने मजमे नु रोक के रखना है फरमाया ला अमरु का महबूब तेरी पूरी हयाती की कसम ला अमरु का महबूब तेरी पूरी हयाती की कसम और अगली गल क्यों ना सुनावा इस मजमे नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब सिर्फ चेहरे की कसम नहीं सिर्फ जुल्फा की कसम नहीं सिर्फ तेरे बोलों की कसम नहीं सिर्फ तेरी हयाती की कसम नहीं फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद महबूब जेरी मिट्टी ते मोहम्मद दे पैरां नु चुमेंदी है अल्लाह नु उस मिट्टी नु कसम अल्लाह फरमाईंदा मैं उस मिट्टी की भी कसम है जेडी मिट्टी महबूब तेरे पैरों नु चुमेंदी हुण कुर्बान जावा उस तू जमाना अल्लाह की अजमत दी कसम चलदा है ते अल्लाह मुहम्मद की इज्जत दी कसम पे जा क्या खूबसूरत बात है कि जमाना तो अल्लाह की कसम उठाए और अल्लाह मुहम्मद की इज्जत दी कसम उठाए फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद फरमाया महबूब जेड़ी मिट्टी तुहाडे पैरां नाल लगदी है ना तुहाडे रब उस मिट्टी दी भी कसम है वो मिट्टी मक्के दी होवे ते मुड़ मक्के दी कसम जे वो मिट्टी मदीने दी होवे मुड़ रब नु मदीने दी कसम हां जे तुसी अर्श ते जाओ ते मुड़ अर्श दी कसम तुसी खार विच जाओ ते मुड़ खार दी कसम नहीं सवादा है गल करदा महबूब जो मिट्टी आपके कदमों को चूमती है आपके रब को उस मिट्टी की भी कसम वो कुर्बान न जावा सारिया कसम पढ़ के मैं ये हैरान बैठा कि अल्लाह मखलूक नु बदिया नु सिखा रहे है अल्लाह फरमाइंदा ओ मेरे बंदो मैं पढ़ा के मुहम्मद दिया कसम पे चैना तू सादा बड़े ही मुहम्मद दे सदके हो अत्ते बदिया सुभान अल्लाह पढ़ी मैं जितने तोल के लफ्ज बोले ओदा सोना जवाब मेरे मजमे में नहीं दिता मैं लफ्ज दोबारा दोहरा लिया सिर्फ तुम्हारी सुभान अल्लाह सुनने वास्ते अल्लाह फरमाइंदा मैं ते नियाज हो के उन क्या कसमा जा रहे हैं तुसी ते हो भी नियाज मंद अल्लाह फरमाइंदा भाई मैं मोहम्मद वाले है मैं रब ने मोहम्मद वाले है पाल के मोहम्मद दिया कसम
नौकरी है, वो लोगों ये नौकरी है ये जो आप कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नौकरी है। रब्बे काबा की कसम, एहसान मुहम्मद दे इतने कि सारी जिंदगी उस नबी के ज़िक्र में गुजर जावे, मुहम्मद दे एहसाना का बदला नहीं हो सकता। अल्लाह ने तो ऐसे रसूल का उम्मत ही बनाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा मैं बेनियाज हूं के उसकिया कसम चाहना उसी ते नियाज मंद हो। अल्लाह फरमाएगा भी मैं ते माबूद हां, माबूद होके उंदिया कसम उठा रहा शर्मा रहा तुसी ते हो भी नौकर। अल्लाह तुसी नौकर हो मुस्तफा दे, तुहानू कितनिया कसम उठानिया चाहिए। अल्लाह फरमाइंदा है ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब मैं उस मिट्टी की भी कसम है जिस मिट्टी ने तुहाडे पैरां नूं चूमे। अल्लाह अल्लाह सुभान। और कुरान की एक होर आयत नूं उलमा बैठे हैं, कुर्रा बैठे हैं, कुफार बैठे हैं, मजमे में भी मेरी नजर पड़ रही है कि इतने कुफार और कुर्रा बैठे हैं मजमे में, उलमा बैठे हैं कि मैं बड़ा शर्मिंदा बैठा हूं। मेरा दिल करता है कि मैं इन सारे उलमा को मजमे से उठाऊं और मिंबर पर ले आऊं। इन्होंने नबी का दीन पढ़ा, तुलबा बैठे हैं, सलामे मोहब्बत सबको पेश करते हुए कुरान की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा था फद्दुहा, महबूब तेरे मुखड़े की कसम है, और आखिर में क्या रब ने फरमाया फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, महबूबों का चर्चा कर जेड़ा रब ने तेनू एडा सोना बनाया है। हुण मैं इस फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस तो पिछली आयत नाल लैंदा पिया, ज़ौक बन गया कि ए आयत भी इस मजमे नु सुनावा। अल्लाह फरमाईंदा फअम्मा साइला फला तनहर, महबूब तेरे मुंह ते कोई मंगता आवे किसे मंगते नु खाली ना मोड़े। महबूब किसे मंगते को खाली नहीं होगी। कुरान कुरान के लफ्जों पे कुर्बान हो जाओ। अल्लाह बंदे तेरे हैं दाल मुहम्मद का बया दिखाईना है, कोई जवाब नहीं छोड़ा डर महबूब का प्या बिखाईना है। अल्लाह फरमाता है अम्मा साइला फला तनहर, महबूब कोई आवे तेरे बुए थे खाली ना जावे, किसे मंगते नु अपने दर को खाली ना मोड़, सवाली तेरे बुए तो खाली ना जावे, किसे मंगते दा दिल ना त्रोड़ी। उमर का मंगते दा दिल कदों टूटे जदों वो मंगे दे अगू मिलने नहीं। अल्लाह क्या बात है, क्या बात, वो मांगे और मिले नहीं। अल्लाह फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, महबूब किसे मंगते नु खाली ना मोड़ी। हाय हाय क्या बात है, जो मांगे उसे अता कर दे। वो कुर्बान जावा अल्लाह नु, अल्लाह ने बनिया नु मोहम्मद का बुआ भी खा छोड़ो। और बंदे सारे इसे काम में लग गए भाई, हुजूर तू मंगना है, हुजूर तू मंगना है, कोई ईमान मंगे लग गया ते कोई सामान मंगे लग गया, कोई सेहत मंगे लग गया, कोई घर मंगे लग गया। और मैंने नबी की जिंदगी में देखा कोई आंख मांगने लगा, क्या बात है, कोई बारिश मांगने लगा। अल्लाह फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, महबूब किसे मंगते नु खाली ना मोड़ी। पता नहीं क्यों कुरान नहीं चंगा लगता मेरे मजमे में, मैं कहते शौक नाल कुरान पढ़ता बैठा।